तो गाइस यार, अगर आप लोगों ने भी अपने गेम के अंदर कोई मिशन या फिर सिटी को बनाया और आप लोग उस मिशन या फिर सिटी को अपने फ्रेंड को शेयर करना चाह रहे हो, उस डाटा को आप लोग अपने फ्रेंड को देना चाह रहे हो और आपको यहाँ पे डाटा का लिंक नहीं बनाना आता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने गेम के अंदर जो भी आपने बनाया मिशन या फिर सिटी, उसका डाटा का लिंक कैसे बनाओगे और उसको आप लोग अपने फ्रेंड को कैसे देने वाले हो। उसको यहाँ पे लिंक को बनाने के बाद आप लोग उस लिंक को शेयर करोगे और आपका दोस्त जो है यहाँ पे उस लिंक को अपने गेम के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देगा और बाद में आपका दोस्त भी जो आपने कुछ भी बनाया उसको प्ले कर पाएगा, अपने गेम के अंदर उसको खेल पाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों में यहाँ पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्ले स्टोर पे, यहाँ से हम लोग को डाटा फाइल बनाने के लिए एक यहाँ पे एप्लीकेशन है जिसका नाम है MI फाइल मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पे हम लोग को लिखना है MI फाइल मैनेजर और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी दो नंबर पे, जिसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप लोग सबसे पहले इसको डाउनलोड करना। मैं यहाँ पे ओपन पे कर देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखा है तो ये ओपन हो चुकी है। बाद में आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको दो यहाँ पे देखो फाइल का यहाँ पे आइकन आ रहा है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार का फाइल का आइकन है, इस पर क्लिक करना है और बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, बहुत सारे फाइल ओपन हो जाएगी। सबसे नंबर वन पे या फिर आप में कहीं पे भी आ सकता है एंड्रॉयड, यहाँ पे एंड्रॉयड लिखा है उस पर क्लिक करना और बाद में आपको लिखा हुआ आएगा, तीन यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुकी है फाइलें। सबसे पहले यहाँ पे डाटा आ रहा है तो डाटा पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। डाटा पे क्लिक करेंगे तो ऐसा यहाँ पे कुछ इंटरफेस आ जाएगा, इस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। आप में ऐसा आएगा या फिर नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे में आ रहा है तो ऐसा आ जाएगा, क्लिक कर दिया। बाद में कुछ ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, देखो फाइलें आ चुकी है। वापस से हम लोगों को देखो आपको ऐसा भी दिखा सकता है, ऐसा भी दिखा सकता है या फिर ऐसा दिखाएगा, ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ पे एक एंड्रॉयड आपको फिर से मिलेगा, एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, बाद में आपको देखो एंड्रॉयड आएगा यहाँ पे, देखो ऐसे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, आपको एंड्रॉयड देख लेना है, जहाँ पे एंड्रॉयड लिखा हो वहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको ऐसा यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो बाद में आपको फिर से डाटा पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर से आपको डाटा पे क्लिक कर देना है, डाटा पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो आप लोग कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे, देखो फाइल है, फाइल है, बहुत जो भी आपके गेम के अंदर होगी उन सभी का फाइल आ जाएगा, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है, तो इस पर आप लोग नहीं करना, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग कर लेना, काफ़ी भाई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा था, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ढूंढना है .com रोहित, ठीक है, कॉम रोहित वाला जो देखना है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थड़ी गेम का होगा, इस पर आपको आ जाना है। बाद में आपको देखना है यहाँ पे फाइल का ऑप्शन होगा, फाइल पे क्लिक कर देना है, बाद में लिखा होगा RGS, तो RGS पे आपको कर देना है, देखो RGS जो है यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है, RGS पे कर देना है। जैसे ही आप लोग RGS पे करोगे क्लिक तो बाद में आपको एक नया इंटरफेस आएगा, RGS पे ऐसा कर दोगे तो RGS पे ऐसा यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, अपना जो इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थड़ी गेम है उसके अंदर जाना है और जो भी आपने बनाया उसको एक स्लॉट्स के अंदर कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टू स्लॉट्स के अंदर इसको कर रखा है, तो मैं यहाँ पे टू स्लॉट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने दो नंबर स्लॉट्स को सिलेक्ट कर लिया है, किस तारीख को किया है और हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्लॉट्स को दो नंबर को सिलेक्ट किया था, तो दो नंबर यहाँ पे स्लॉट्स भी दिखा रहा है, साथ में जो यहाँ पे जिस डेट, ठीक है, जिस तारीख को हमने किया था वहाँ पे वो भी दिखाएगा, जिस टाइम पे किया है वो टाइम भी दिखाएगा। तो यहाँ पे उस स्लॉट्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने दो को किया था और यहाँ पे आप लोग देखो कल मैंने किया था, तो उसको मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया है, करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको इसके ऊपर प्रेस करके रखना है, पॉइंट लगा देना कुछ इस तरीके से, ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लू लाइन आ जाएगी, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ऊपर कॉर्नर में देखो थ्री यहाँ पे डॉट आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारे पास कॉपी टू का, तो आप लोग कॉपी कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग कॉपी कर लोगे तो ये कॉपी हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपको एक नीचे और देखो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो, तो यहाँ पे
इस पे आपको क्लिक कर देना है, ये आप जो है डाउनलोड वाले आइकन पे यहाँ पे को पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, अपने आप डाउनलोड वाला यहाँ पे जो फाइल है उसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को अपने गेम के अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है, अपना जो मोबाइल है वहाँ पे एक ड्राइव का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ड्राइव वाला एप्लीकेशन देखना है। अगर ये आपके मोबाइल के अंदर नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड भी कर लेना। अब हम जैसे ड्राइव वाले यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे तो एप्लीकेशन का इंटरफेस ऐसा होने वाला है। सबसे यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है फाइल का, इस पर क्लिक करना है। फिर हम लोगों को एक न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर भी हम लोगों को न्यू वाले पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे फाइल है, फाइल के आगे यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, तो न्यू वाले पे क्लिक करना है। फिर आपको अपलोड का एक बटन दिखाई देगा, अपलोड का आ जाएगा, तो अपलोड वाले पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ये अपलोड वाला आता है इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। बाद में जो हमने कॉपी किया था और उसको पेस्ट किया था वो फाइल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो RGIS 2 यहाँ पे 3, मैंने 3 स्लॉट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए आपको दिखाने के लिए। पहले मैंने एक दिन पहले भी किया था, यहाँ पे 3 दिखा रहा है, ठीक है। इस स्लॉट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा हमारे पास ये अपने आप यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो ये आपको क्या करना है, वाईफाई से कनेक्ट करना है या फिर किसी मोबाइल से हॉटस्पॉट ले लेना है। उसके बाद ये आपका जो प्रोसेस जो कंप्लीट होने वाला है, लोडिंग पूरा होने वाला है। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास अभी तो वाईफाई है नहीं, तो मैं आपको नीचे वाला करके दिखा देता हूँ जिसके नीचे मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आ रहे हैं, इस पर क्लिक करूंगा। आप जो भी फाइल लेके आओ उस पर यार आपको क्या करना है, एक बार ऐसा आ जाए तो आपको यहाँ पे कोई वाईफाई ले लेना है या फिर हॉटस्पॉट लेना है, उसके बाद ही होगा। वाईफाई का वेट कर रहा है तो वाईफाई लेना पड़ेगा, वरना ये नहीं होने वाला। तो एक बार वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट जरूर ले लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 डॉट पे ऐसे क्लिक करेंगे, 3 डॉट आएगा उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे मैनेज यहाँ पे एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, 2 नंबर पे देखो मैनेज एक्सेस, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बाद में यहाँ पे देखो ये चेंज वाला ऑप्शन आ रहा है, चेंज पे क्लिक करना, ठीक है। ये चेंज ऑप्शन है, इस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। नीचे सबसे पहले देखो इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये चेंज पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो लिंक है वो बन के रेडी हो जाएगा, और ऊपर आपको ये कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप लोगों को कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कॉपी कर लोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको कॉपी करना है, उसके अलावा कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऊपर आपको कॉपी का है तो कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा, कॉपीड हो जाएगा, तो कॉपीड आपको कर लेना है। बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने ये सब कुछ कॉपी वगैरह किए, ये काम करता है या फिर नहीं करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज मैं अपने गेम के अंदर आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके दूसरा स्लॉट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर कोई भी मिशन वगैरह ना हो। मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि न्यू मिशन आया फिर नहीं आया, हम लोग उस मिशन को इस यहाँ पे स्लॉट के अंदर सिलेक्ट करने वाले। तो कोई ऐसा स्लॉट देख लेता हूँ जिसके अंदर कुछ भी ना हो, तो मैं यहाँ पे स्लॉट सिलेक्ट कर लिया है, सबसे लास्ट यहाँ पे स्लॉट ले लिया। गेम को भी प्ले करते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी मैंने जो मिशन बनाया वो नहीं है, ठीक है। तो अभी न्यू वाला जो मिशन मैंने सिलेक्ट कर रखा है वो है यहाँ पे, तो इसमें मैं अपने आप स्पॉन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना जो इंटरनेट वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर दिया जो कि मैंने खुद से बनाया है, उस लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया। और 5 मिनट वेट करना है, वेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जैसे गेम को एक बार बैक करेंगे दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे और गेम हमारा प्ले हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे मेरा मिशन स्टार्ट होता है, और वहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने लिंक बना लिया और 100% और देखने को मिलेगा। आप भी ऐसे लिंक बना लेना, ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे फॉलो करना, और आपका जो आपने भी जो भी डाटा बनाया उसका लिंक बन जाएगा, और आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लो, काफ़ी मेहनत लगी यार, प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लो। तो फाइनली गाइज आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे लोकेशन पे आ चुका हूँ, मेरे गेम के अंदर यहाँ पे मिशन आ भी चुका है। और अगर ये मिशन आपको भी चाहिए जो कि मैंने बनाया है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए मैंने पीछे वीडियो डाल दिया, आई बटन पे भी डाल दिया है, ठीक है, आप लोग देख लेना। और उसका लिंक आपको मिल जाएगा अपने यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे, तो व्हाट्सएप चैनल से आप लोग ले सकते हो। ये वाला जो मैंने अभी बनाया है यही लिंक है, तो ये आप लोग जा करके वहाँ से कॉपी करो और अपने गेम के अंदर पेस्ट करो, आ जाएगा। और ऐसे आप लोग लिंक बना लेना और अपने फ्रेंड को भी दे देना जो भी आपने डाल
डाटा बनाया है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी यहाँ पे आपके गेम वगैरह में दिक्कत आती है तो आप लोग कॉमेंट में बता देना, मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।